मैं मान इलेक्ट्रिकल से हूँ। मुझे अभी सूचना मिली थी कि ये जो वकील है जिसने फ्रॉड किया लोगों के साथ, क्या नाम इनका है, तो इसने मेरी दुकान से 1 लाख रुपए का बिजली का सामान लिया है उधार, जिसमें स्विच है, तारे हैं, पंखे हैं, बिजली का सारा सामान है। मेरी दुकान भगत सिंह चौक मान इलेक्ट्रिकल से है, मेरे कैमरे लगे हुए हैं, सारा रिकॉर्ड है और सारा कुछ है। अभी बोला कि मेरे साथ जो दूसरा आदमी सब से बात करोगे। ऊंची दुकान फीका पकवान की कहावत लागू हो रही है। विकास जोरड़ जो अर्जनवीस और वकीली का काम करता है और काम ऐसे करे उसने सबको नीचा दिखाने का कर दिया है काम। सुरेशिया से उसके घर से शटरिंग का सामान व अन्य कई तरह का सामान पुलिस ने बरामद किया है। लोगों का यह सामान, शटरिंग की बात करें चाहे अन्य सामान की बात करें, हड़प कर घर के अंदर बंद कर लिया। अब हुआ है खुलासा, चलिए सुनाते हैं उसके जो दिहाड़ी करता था उसका क्या कहना है। जोड़ में दिहाड़ी से असी काम किया और मेरा समान दा कोई लेन देन नहीं है, समान खुद लिया रहे आप जिन्हें शटरिंग का सीगा और जो मटीरियल सीगा सब कुछ ये आप लेके आया और असी दिहाड़ी से 2 मिस्त्री लगे सी। मैं इतने 59 नंबर के रहने वाला सुरेशिया पुलिस चौकी के पिछले पास और मैं पंजाब का रहने वाला जी पिछों फाजिलका तो और मेरे को राशन कार्ड चालू नहीं सीगा और राशन कार्ड चालू कराने पिछे इन्हें मैनू जोड़ा है स्टाम मेरे को ले है और मैं पंजाबी पढ़िया हाँ, हिंदी के कुछ लिखा मैनू नहीं पता इस चीज़ का। इन्हें जो भी किया हिंदी के और जोड़ा कि समान इन्हें वो स्टामा के मेरे खाते पा रहा कहना तू लै गया, लेकिन मैं समान नहीं लैके गया। आने इन्हें दब लिया, अज हूँ पुलिस की रेड पई है। कोई एक तो टोया कढ़िया उन्होंने, टोए के निकलिया एक स्लैब तो निकलिया, कुछ पेटी के निकलिया, कुछ प्लेटा सीगिया, कुछ फटिया सीगिया, बाकी गार्डर गुर्डर ने गया गुप्ता शटरिंग वाले का, एक बागड़ी शटरिंग वाले का और कुछ समान सीगा गणपति वाले का। ये कहता सीगा भी मैं इकबाल सिंह नूं देता समान सारा, इस टाइम लिखा के तो इन्हें मेरे जुम्मे लाता भी समान तू ले यार बनाता, जरा कि साडा दिहाड़ी से काम सीगा, अस 2 मिस्त्री लगे सीगे। अस जोड़न का ना है स्टामा का करता है, वह भी किसी के कोलों इन्हें एजेंसी ली हुई है मेरे को और 420 बंदा हूँ हौली हौली सारे भेद खुलते पे है भी है पैसा, कुछ गठा वाले भी पैसा है। चलिए सुनाते हैं आपको शटरिंग वाले दुकान का क्या कहना है, कैसे उसके शटरिंग का सामान उसने दबाकर घर के अंदर रखा, सुनिए उसकी कहानी। खतीक बागड़ी शटरिंग से नाम से मेरी दुकान है, सोपुटी रोड पे वार्ड नंबर 55 और मेरी 291 प्लेटे हैं लोहे की और 51 गाटर है, 51 बत्ती है, 300 फट्टी है और 6 फुट के पिल्लर है। 6 जोड़ बुक करा के आया है, उसको पर्ची मेरी दी हुई है पक्की, कोई गाड़ी वाला लेके गया था जो जोड़ लेके गया था, आप खुद आए थे मेरे को पर्ची जोड़ने दी है विकास जोड़। फिर बाद में मैंने 20 कट्टे, 1 बजरी की ट्राली, 1 सरिये का बंडल वो मंगा दिया। शनिवार का था 8 तारीख, दीपवार की पड़ी 9 तारीख, खमतवार को अपना सोमवार को पैसे दे दूंगा। फिर सोमवार को मैं फिर फ़ोन किया, नहीं सोमवार को क्या फ़ोन किया मैं, फिर बाद में घंटा बाद में क्या 20 कट्टे और भेजो और 7 लेंथ 3 सूत वाली सरिये की भेजो और 5 लेंथ 4 सूत वाली भेजो, मैं भेज दिया मेरे को सोमवार का कह दिया पैसे का है। तो सोमवार को फ़ोन किया कि मैं तो तेरे को पैसे 1,40,000-1,70,000 रुपये दिए हैं जब तू मेरे को माल दिया है। हाँ मेरे पास पर्ची दी हुई है, मेरे पास ही बिल है उसको देख लो, 7,000 रुपये जो मैं भी नहीं दिया साहब। अब ये कड़ा टूटी हुई है, फटिया देख लो 2 पीस करे हुए हैं, परसों सामान नहीं मिला पूरा साहब, गाटरे रह गई है, पिलर रह गए और फटिया गिनते नहीं रह गया, प्लेटें गिनते कितनी रह गई, खड्डा के अंदर मिला है, एक संदूक में मिला है, एक आलमारी में मिला है, एक बेड के नीचे मिला है और ऊपर नानगढ़ के अंदर मिला है और एक बार ठेकेदार का दस्तखत करा के टाम पे तो मतलब उसको सुपुर्द कर दिया औरों का भी है, मान इलेक्ट्रिकल या चौकाटों का भी है और ये टेबल वाला का है, गणपति शेटरिंग वाला का है,
चलिए, पुलिस अधिकारी का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है और आगे क्या कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, तमाम बातों का बता रहे हैं मीडिया को देकर बयान, सुनिए। हमारे पास जंक्शन थाने से दो मामले दर्ज हैं इसी विकास जोड़ के खिलाफ। पहले मामले में इसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, आज दूसरे मामले में इसकी गिरफ्तारी की जानी थी। हमें मुस्तकिस द्वारा सूचना मिली 288 के मुस्तकिस द्वारा कि इसके पास सामान पड़ा है, वो खुदबुद किया जा सकता है। और हमारे पास विश्वसनीय सूचना है कि माल उसने घर में ही खुदबुद किया है और आगे और खुदबुद बाहर भेजने के लिए उसकी तैयारी में था। तो तुरंत जंक्शन थाना पुलिस के साथ मौके पर यहाँ पहुँचे और इसके प्राथमिक पूछताछ के बाद, गिरफ्तारी के बाद इसने जो इतलाएं दी उसके आधार पर सामान बरामद किया है। अभी अनुसंधान जारी है दोनों मामलों के अंदर और जल्दी और भी जो अनुसंधान पूर्ण किया जाएगा उसके बाद। बिल्डिंग मटेरियल के सामान से संबंधित है कि SC ST की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत इसके खिलाफ मामले दर्ज हैं, 420, 406, इसके अलावा SC ST की धाराएं। इन्होंने SC ST के जो व्यक्ति थे उनसे इन्होंने बिल्डिंग मटेरियल का सामान लिया, उसके बाद ना तो इनको वाजिब उन पैसे दिए जा रहे थे, किराया वगैरह वो शटरिंग के सामान का वो नहीं दिया गया, ऊपर से इनके साथ गाली गलौज की गई और सामान इनका खुद बूझ कर दिया गया। अभी तक दो शटरिंग वालों के तरफ से अलग अलग टाइम में मामले दर्ज हुए थे जंक्शन थाने में, आज इसको गिरफ्तार किया जा चुका है। हाँ, सामान अलग अलग जगहों पे है, अभी आगे जारी है और सर्च वगैरह जारी है, ये जैसे इतला गया उस हिसाब से। वकील के द्वारा तीन शटरिंग की दुकानों का सामान घर के अंदर जमा कर लिया, छुपा कर रख लिया, पता नहीं क्या दिमाग के अंदर इसके आया, इस प्रकार का काम किया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच शुरू है, देखते हैं आगे क्या सज़ा इस वकील को मिलती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।